नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आज राजनीतिक लिहाज से महाराष्ट्र अहम रहा। यहाँ पर फैसला होना था कि असली शिवसेना कौन और शिंदे सरकार का क्या होगा, जो 16 एमएलए पर तलवार लटक रही थी कि उनकी सदस्यता चली जाएगी। उस पर स्पीकर राहुल नार्वेकर को फैसला सुनाना था, सो उन्होंने फैसला सुना दिया। इसमें सबसे अहम सवाल जो था कि असली शिवसेना कौन, इसके लिए राहुल नार्वेकर ने चुनाव आयोग का आधार लिया कि चुनाव आयोग अपने फैसले में बता चुका है कि असली शिवसेना शिंदे गुट ही है। यहाँ तक कि शिवसेना का जो चुनाव निशान है, तीर कमान, वो शिंदे गुट को मिला है। तो वो पार्टी के संविधान और चुनाव आयोग के फैसले को हम मानते हैं और उसी के मुताबिक उन्होंने शिंदे गुट को असली शिवसेना मान ली। दूसरा सवाल, क्या जो 16 एमएलए थे जो शिंदे ने जून 2020 में बगावत की थी, उनके साथ 39 विधायक गए थे, उसमें से 16 को स्पीकर ने नोटिस जारी किया था, उनकी सदस्यता का क्या होगा? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर किसी भी फैसले को अनंत काल तक नहीं लटका सकते, निश्चित टाइम फ्रेम में फैसला देना होगा। सो निश्चित टाइम फ्रेम में उन्होंने फैसला दिया, उन विधायकों को योग्य मान लिया। अब न तो सरकार पर कोई संकट है, न विधायकों की सदस्यता पर। तो ये दो अहम सवाल थे। अब तीसरी बात कि उद्धव गुट अब क्या करेगा, उनके पास क्या रास्ता बचता है, क्योंकि जैसे ही राहुल नार्वेकर स्पीकर का फैसला आया, वैसे ही प्रवक्ता जो है संजय राउत, उन्होंने कहा कि ये तो मैच फिक्स है, पहले से फिक्स था, रिजल्ट भी पता था। उद्धव ठाकरे के बारे में कहा जा रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, उनके पास एकमात्र रास्ता बचा है कि फिर से वो सुप्रीम कोर्ट जाए। आपको बता दें कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र को लेकर के और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उसके अधिकार क्षेत्र को लेकर के ये बहस और लड़ाई कोई नई नहीं है, बहुत पहले से होती रही है। माना यह जाता है कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा या विधान परिषद, वहाँ पर जो स्पीकर बैठे हैं, सदन में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी वो फैसला लेते हैं, उस पर उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। कुछ मामलों में कुछ शर्तों के साथ चुनौती दी जा सकती है, मसलन ये कि स्पीकर कब तक इस मामले को लटकाए रखेंगे, इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि आप स्पीकर जो है इसको जल्दी इस पर फैसला कीजिए। तो इसको समझने के लिए मणिपुर का मसला समझना होगा। 2017 में चुनाव हुआ था, कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए थे और उनकी अयोग्यता का मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। स्पीकर ने लटका दिया था मामले को, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 4 सप्ताह के अंदर जो है फैसला लीजिए, ऐसे आप इसको नहीं टाल सकते। तो एक तो ये हो गया मामला मणिपुर का। दूसरा मामला जो है वो है कर्नाटक का। कर्नाटक में 2019 में कुमार स्वामी की सरकार चली गई थी, विधायकों ने बगावत की थी, कुल 16 विधायक ऐसे थे जिसमें से कांग्रेस और कुमार स्वामी की पार्टी जेडीएस के भी विधायक थे। तो जब उन्होंने बगावत की तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके ऊपर शिकंजा कसा गया, ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद जब जो स्पीकर ने इन्हें अयोग्य माना था उसको तो मान लिया, लेकिन साथ में ये भी मान लिया था कि आप जो है कि ऐसे केसेज में विधायक को, एमएलए को अनंत काल तक यानी कि इनडिफिनिट पीरियड के लिए अयोग्य नहीं, यदि वो चाहें तो फिर से चुनाव लड़ करके जीत करके आ सकते हैं, और उस केस में ऐसा ही हुआ था। तो ये दो एग्जाम्पल पहले के थे, और भी उदाहरण हैं। और आज जो फैसला आया है इसके बाद अब रास्ता बचता है सिर्फ और सिर्फ उद्धव गुट के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का। देखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्या आधार बनाते हैं और उधर से क्या फैसला आता है। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ था और अब जो है 2024 है, और इसी 2024 के लास्ट में फिर से जो है चुनाव ड्यू हो जाएगा। तब तक इंतजार रहेगा, नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।